हेलो गाइस, आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ चटपटा और टेस्टी बनाया जाए। आज बनाते हैं बटाटा वड़ा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। आइए बनाते हैं बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन गैस पे रख लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। ऑयल यहाँ पे बढ़िया से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून राई। तो सबसे पहले हम बटाटे वड़े की स्टफिंग रेडी करेंगे। आप इसे आलू बोंडा भी कह सकते हैं, कई जगह इसे आलू बोंडा कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे बटाटा वड़ा कहा जाता है। तो राई देखिए किस तरह से उछल रही है, तो अच्छे से हमारी जो राई है वो पक रही है। राई यहाँ अच्छे से पक गई है। आप चाहें तो राई डालते ही इसे ढक भी सकते हैं, ऐसा करने से राई बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रेटेड अदरक। आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अदरक का फ्लेवर जो है वो बटाटे वड़े में बहुत अच्छा लगता है। 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च ऐड कर लें। और अब देखिए इन्हें मैं अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे स्किप ना करें। गैस को मैंने ऑफ कर दिया था, दोबारा से ऑन कर दिया है क्योंकि ऑयल जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स, कड़ी पत्ते का भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है बटाटा वड़ा में। 1 प्याज मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि बटाटा वड़ा में तो प्याज नहीं ऐड होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे 1 प्याज चॉप करके ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब मैं प्याज को अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा क्रंच मुझे यहाँ पे प्याज का चाहिए। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और उसे भी मैं यहाँ पे अच्छे से भून रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जो मैंने इस तरह से मैश कर दिए हैं। आप चाहें तो 3 ले लें, जितने बटाटा वड़ा आपको रेडी करने हैं उस हिसाब से आलू की क्वान्टिटी बढ़ा लें। और अब हम आलू को अच्छे से इन मसालों के साथ भून लेंगे। बस इतनी चीज़ें इसमें जाती हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाता है। थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे और ऐड किया है, नमक कम लग रहा था। और देखिए अच्छे से इसे मैं मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगे, अच्छे से मसालों में रच बस जाए। और अब आप देख सकते हैं मसालों में जो हमारे आलू हैं वो बढ़िया से कोट हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है। और देखिए जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से रेडी हो गई है। स्टफिंग को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है और 1/2 कप बेसन मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, यानी कि 1.5 कप बेसन मैंने यहाँ पे ले लिया है। बेसन में मैं ऐड कर दूंगी नमक, तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि स्टफिंग में भी हमने नमक ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छा सा कलर आएगा बटाटा वड़ा में। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर दी है। एकदम चटपटे बढ़िया टेस्टी हमारे जो बटाटा वड़ा है वो बन करके रेडी होंगे, झटपट बन जाते हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। जब ऐसा कुछ खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है और अब हम इसका बैटर बना करके रेडी करेंगे। तो बैटर बनाने के लिए धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी ऐड ना करें, धीरे धीरे ऐड करते जाएँ। और इसे हमें ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, एकदम नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें यहाँ पे बना करके रेडी करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो।
और देखिए यहाँ पे बैटर भी बन गया है और जो हमारी स्टफिंग है वो भी रेडी हो गई है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी बैटर के अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से अच्छे से जो बटाटा वड़ा है वो हमारे फूले बनेंगे। और इसे भी मैं अब मिक्स कर लूँगी। ऑयल मैंने यहाँ पे गैस से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल जो लिया है कढ़ाई में से थोड़ा सा गर्म है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐसा करने से हमारे जो बटाटा वड़ा है वो और भी ज़्यादा क्रंची बनेंगे। और अब इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसे मैं एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ज़्यादा फ्री फ्लोइंग भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ज़्यादा पतला करेंगे तो जो बैटर है वो हमारे आलू पे रुकेगा नहीं, और ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो वो कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से एक आलू का बॉल लें, स्टफिंग का बॉल लें और उसे बेसन के अंदर डिप कर दें और स्पून की मदद से अच्छे से इसे कोट कर लें। आप चाहें तो अपने हाथों का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इस तरह से इसे उठाएं, एक फॉक के ऊपर आप इसे रख सकते हैं। ऐसा करने से एक्स्ट्रा बैटर जो है वो निकल जाएगा। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो स्पून की हेल्प ले लें, अदरवाइज हाथों से ये बहुत आराम से बन जाते हैं। और इसे इस तरह से ऑयल के अंदर डाल दें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, मैंने गैस की फ्लेम को अभी बंद कर दिया है क्योंकि हमें ज़्यादा तेज़ ऑयल में इन्हें नहीं पकाना है, अदरवाइज़ बाहर से जल जाएंगे अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और बेसन जब कच्चा रहता है तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मैं तीसरा भी इसी तरह से इसमें ऐड कर रही हूँ फॉक के ऊपर लेके। और अब मैं इन्हें अच्छे से सेक लूँगी। इसी तरह से मैंने बाकी के बटाटा वड़ा जो है वो भी ऑयल में ऐड कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह से कितना बढ़िया जो बेसन है वो फूल रहा है। तो इन्हें हम एक साइड से पहले पका लेंगे और अब हम इन्हें पलट लेंगे। दोनों साइड से हमें इन्हें बढ़िया बनाना है जब तक कि अच्छा सा एक गोल्डन कलर ना आ जाए इनके ऊपर और ये क्रंची ना हो जाए। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बटाटा वड़ा खाने में। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, अगर कोई गेस्ट आपके घर पर आ जाए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। झटपट बन जाती है, बस उबले हुए आलू घर पर पे होने चाहिए और बेसन घर पे होना चाहिए। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, इससे ज़्यादा मुझे इन्हें फ्राई नहीं करना है। बढ़िया से जो कलर है वो आ गया है इसके ऊपर गोल्डन, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी के बटाटा वड़ा भी हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए मैंने सारे बटाटा वड़ा फ्राई कर लिए हैं, इसे मैं सर्व कर रही हूँ चटनी के साथ। और साथ में मैंने ये हरी मिर्च को फ्राई किया हुआ है, इसे आप इसके साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है हरी मिर्च बटाटा वड़ा के साथ। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बटाटा वड़ा मैं तोड़ के ज़रूर दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा ये बना है, अंदर एकदम बढ़िया स्टफिंग और बाहर एकदम बढ़िया बेसन की कोटिंग। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और बताएं ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलूंगी इसी तरह की एक बढ़िया और टेस्टी रेसिपी के साथ।